नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर है। जी हां, अगर आप ट्रेनों से सफ़र करते हैं और अगर बड़े स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बड़े स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने पर सफ़र महंगा हो सकता है। रेलवे अब अलग से शुल्क को सुनने की तैयारी कर रहा है। और जो खबर है, एक्सक्लूसिव खबर है कि ट्रेन से सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे एक नई व्यवस्था करने जा रहा है। अब रेलवे बड़े रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों से स्टेशन यूजर फीस वसूलने की तैयारी कर रहा है। रेलवे की ओर से ये कदम एयरपोर्ट के यूजर डेवलपमेंट फीस की तर्ज पर उठाया जा रहा है। और पता ही है कि एयरपोर्ट पर यात्रियों से अलग से UDF वसूला जाता है, जो फिलहाल 281 रुपये है। रेलवे भी टिकट बुकिंग के साथ ही यात्रियों से स्टेशन यूजर फीस वसूलेगी, जिससे टिकट की कीमत बढ़ जाएगी। सूत्रों के मुताबिक रेलवे मंत्रालय इस साल के अंत तक यानी दिसंबर 2020 तक स्टेशन यूजर फीस को नोटिफाई भी कर देगा, लेकिन इसे लागू तभी किया जाएगा जब बड़े रेलवे स्टेशनों को रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत प्राइवेट प्लेयर नया और आधुनिक बनाकर शुरू कर देगा। यानी अभी जो रेलवे स्टेशन है उसके लिए आपसे कोई फीस नहीं वसूला जाएगा। अभी जो रेलवे स्टेशन है उसको अत्याधुनिक बनाया जाएगा प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, और फिर आपसे फी वसूला जाएगा। नया और आधुनिक बनाकर फीस वसूला जाएगा। जिन स्टेशनों की रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जा रहा है उनमें मुंबई है, जयपुर है, हबीबगंज है, चंडीगढ़ है, नागपुर है, बिजवान है, आनंद विहार स्टेशन शामिल हैं। बड़े स्टेशनों पर आने वाले समय में स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए यूजर डेवलपमेंट फीस देने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दिसंबर से ये लागू हो जाएगा और कई रेलवे स्टेशन अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब दिसंबर से आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि एयरपोर्ट की तरह ही अब आपको रेलवे स्टेशन पर भी कुछ विशेष फीस देना पड़ेगा, यानी स्टेशन यूजर फीस देना पड़ेगा। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।